बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड का नाम पूरा देश शायद इसी कविता के लिए जानता है, और यहाँ बुंदेलखंड के संग नाम आता है झांसी का। उत्तर प्रदेश की दक्षिण छोर पर पहलुज नदी के किनारे बसी झांसी गेटवे ऑफ बुंदेलखंड या बुंदेलखंड के द्वार के नाम से भी जानी जाती है। बुंदेलखंड की रोमांचक कहानियाँ यहाँ के निवासियों के लिए उनका सबसे बड़ा गौरव है, और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी झांसी की भी है। झांसी पहले बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। एक बार की बात है जब ओरछा के राजा जैतपुर के राजा के किले में बतौर मेहमान बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने जैतपुर के राजा से पूछ लिया कि महाराज, क्या आप यहाँ से हमारा नया बाणगढ़ का किला देख सकते हैं? जिस पर जैतपुर के राजा ने उत्तर दिया कि कुछ झैसी झैसी, यानी कुछ धुंधली धुंधली दिख रही है। अब ये कहानी लोगों के जबान में बैठ गई, और बदलती जबानों में घूमते घूमते झैसी शब्द झांसी में बदल गया। 20 फुट चौड़ी दीवारों में बने झांसी के इस किले में कुल 10 दरवाजे मौजूद हैं, जो हर द्वार से अलग अलग मार्ग में खुलते हैं। किले के मुख्य द्वार पर दिखने वाली शिव मंदिर और गणेश मंदिर यहाँ बेहद प्रचलित हैं। इसके अलावा 1857 में इस्तेमाल हुई कड़क बिजली तोप यहाँ आकर्षण का बड़ा केंद्र है। 1817 से 1854 के बीच झांसी मराठा राजाओं की रियासत थी, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले ही 1728 से हो चली थी। मोहम्मद खान बंगश ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया था, और तब बुंदेलखंड को बचाने आए पेशवा बाजीराव। बाजीराव की सहायता को पुरस्कृत करते हुए झांसी और झांसी का किला उन्हें उपहार स्वरूप महाराजा छत्रसाल ने उन्हें दे दिया। 1752 में पेशवा ने झांसी का सूबेदार नानो शंकर को बनवाया। उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में नानो शंकर ने झांसी के किले को और बड़ा बनाया, और अगले कई वर्षों तक माधव गोविंद काहिंडे, बाऊलाल कन्हाई और रामचंद्र राव जैसे सूबेदारों ने यहाँ बेहद भव्य मंदिर और किले बनवाए, और यहाँ की देखरेख इन्हीं सूबेदारों ने की। 1838 में गंगाधर राव यहाँ के राजा बने। उन्होंने अपनी नेकी और उदारता से झांसी को गरीबी से निकालने का पूरा समाधान लिया, और गंगाधर राव की रानी बनी बनारस में जन्मी मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका घुड़सवारी, निशानेबाजी, मलखंब में निपुण थी। मणिकर्णिका कोई राजकुमारी नहीं थी, पर उनके पिता पेशवा के दरबार पर काम जरूर किया करते थे, और पेशवा मणिकर्णिका को प्यार से छबीली बुलाया करते थे। मणिकर्णिका, मनु या छबीली, ये सारे नाम रानी लक्ष्मी बाई के ही थे। लक्ष्मी बाई का नाम उन्हें विवाह के बाद मिला। शादी के 9 साल बाद मणिकर्णिका और गंगाधर राव को एक बेटा हुआ, लेकिन काल ने 4 महीने के अंदर उनसे उनका बेटा और झांसी से उसका उत्तरदायी छीन लिया। ये बात सिर्फ दुख ही नहीं, चिंता की भी थी, क्योंकि बिना पुरुष उत्तराधिकारी के राज में डॉक्टरीन लैप्स लगने की संभावना होती है। डॉक्टरीन लैप्स के अंतर्गत जो राज बिना उत्तरदायी के रह जाता था, उस राज्य को अंग्रेज जब्त कर लिया करते थे। अब गंगाधर राव बीमार हो चले थे। अपनी मृत्यु से पहले अपने चचेरे भाई दामोदर राव को गोद लेकर गंगाधर राव ने उन्हें झांसी का उत्तरदायी बनाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तरदायी मानने से इनकार कर दिया, और लक्ष्मी बाई को महज 60,000 रुपये देकर उन्हें किला खाली करने का आदेश दिया। लेकिन मनु बुरे समय में रोने वालों में नहीं, लड़ने वालों में हुआ करती थी, और देश भर में विद्रोह का माहौल शुरू हो चुका था। यही वक्त था जब मनु ने तलवार उठाई
और अपने जमीन के लिए खुद लड़ने मैदान में आ गई, अपने आखिरी वक्त तक, जब तक नारी शक्ति ने खुद की परिभाषा खुद नहीं लिख डाली।